बरेली के नवाबगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत हरदुआ के फायतुल्लाह की प्रधान श्रीमती अफसाना पति मोहम्मद इरशाद से आज हमारे संवाददाता ने उनकी ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान श्रीमती अफसाना द्वारा अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी प्रधान पति मोहम्मद इरशाद से की, तो प्रधान पति ने हमारे संवाददाता को अपनी पत्नी के कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों के अलावा भविष्य की विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? सर मोहम्मद इरशाद, ग्राम पंचायत हरदुआ के फायतुल्लाह। जी सर, पत्नी हमारी अफसाना मोहम्मद इरशाद। इरशाद जी, आपकी कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है? हरदुआ के फायतुल्लाह। हरदुआ के फायतुल्लाह, यहाँ के प्रधान कौन है? जी अफसाना है ग्राम प्रधान, पत्नी। अच्छा, आपकी पत्नी यहाँ की ग्राम प्रधान है। करीब 8 CC पड़ गए हैं और बाकी खरंजे पड़े हैं, 10-12 खरंजे पड़ गए हैं। बाकी नाली हैं और शौचालय, वो शौचालय भी बने हैं। कितने शौचालय बने होंगे अब तक? सर 150 शौचालय बने थे हमारे। 150 शौचालय आपने बनवाए हैं। बाकी आवास कितने बने हैं? आवास हैं 12 बने हैं। 12 आवास। लाभार्थी के खाते से कितने हैं? सब लाभ शौचालय नहीं जी, शौचालय है लाभार्थी जी। कितने? 45 लाभार्थी। 45 लाभार्थी के खाते से। राशन कार्ड तो लगभग सभी के बने हुए हैं। हाँ, बिजली सही आती, बाकी थोड़ी सी समस्या है, कुछ तार उर जैसे ज़्यादा पुराने हैं उनकी थोड़ी सी वो है। तो इसके लिए आपने क्या किया आपका? इसके लिए शिकायत तो वहाँ पर दी थी SDM साहब के पास में, तो वहाँ से उन्होंने ये कह दिया था कि हाँ जी जल्द से जल्द ठीक करा दिए जाएंगे। उसमें सर ये है कि अगर जनता अपना सहयोग देगी, अगर वो अच्छा समझेगी तो चुनाव आ सकते हैं। ये हमारे यहाँ अभी प्राइमरी स्कूल है बना हुआ, बाकी अगर जनता चुनती है तो उसके लिए फिर हमने 8 तक का स्कूल जो है कराने की कोशिश करेंगे पूरी अपनी, और बाकी जो है बारात घर नहीं है हमारे यहाँ पर, तो उसके लिए सरकार से उसकी मांग की जाएगी कि हमारे यहाँ फ्री में लोगों को बारात घर के लिए सुविधा मिल जाए। उसके लिए सर अभी तो सरकारी नल का है पानी, स्वच्छ पानी है वो भी। सर अब की बार अगर जनता ने हमें चुना तो वाटर टैंक की सुविधा करने की पूरी सरकार से मांग करके कोशिश करी जाएगी, वो काम हो ही जाए हमारे यहाँ पर। सर तो दोबारा जनता ने अगर चुन लिया तो उसके लिए जैसे विधवा पेंशन है और जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो हर नागरिक तक पहुंचाने की अपनी पूरी प्रयास करा जाएगा, जिससे कि किसी को जो है कोई बेमहरूम ना रहे कि कोई हमें ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। सर ये जो सरकार का निर्देश है कि मास्क लगा कर निकलें, दूरी बना के रखें और हाथ है जो साबुन से बार बार धोएं और ज़्यादा जो है बाहर ना निकलें, जिससे कि बेवजह जिससे कि किसी को तकलीफ़ हो और घर वालों को भी अपने तकलीफ़ हो।